ओम नमः शिवाय मित्रों, स्वागत है आपका पुनः एक बार हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो टुडे में। और आपके समक्ष मैं फिर एक बार पंडित बीएन शास्त्री। आज हम बात करेंगे एक नई राशि के साथ, कन्या राशि। तो कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त के महीना, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना, किस चीज़ के लिए आपको सचेत रहना है, इन सभी चीज़ों की मैं आपको पूरी वीडियो में जानकारी दूंगा। पूर्ण रूप से आपको जानकारी, साथ ही साथ उपाय भी बताए जाएंगे। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूर्ण रूप से जानकारी और उपाय भी मिल सके। तो कन्या राशि की अगर हम बात करें तो कन्या राशि के जो स्वामी हैं वो बुध है। शुभ अंक 3 और 8 है। शुभ दिन शुक्रवार और बुधवार है। शुभ रंग हरा रहेगा। शुभ दिशा दक्षिण है। तो ये चीज़ मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोलता हूँ, एक बार फिर आपको दोहराऊंगा कि इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगस्त के महीने में जो भी आप कार्य करने वाले हैं उनमें इन चीज़ों का आप महत्व रखकर कार्य करें तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर हम बात करें कन्या राशि वालों के लिए अगस्त के महीना, तो थोड़ा मिला जुला रहेगा, क्योंकि इसमें जो संकेत हैं या परिणाम हैं, मिले जुले परिणाम आपको मिलेंगे। जॉब की दृष्टि से अगर देखें, क्योंकि आपको जॉब के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी या टेंशन से गुजरना पड़ रहा है, कोरोना चल रहा है उसके चलते काफ़ी लोग हैं जो मेरे भाई हैं, बहनें हैं, जिनका व्यापार या नौकरी जा चुकी है, तो उनके लिए महीना काफ़ी अच्छा है। तो अगर नौकरी के लिए देखें तो इस महीने आपको अचानक से कोई नई नौकरी ज्वाइन या नई नौकरी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अचानक से आप करेंगे, आप सोचेंगे नहीं, अचानक से वो चीज़ें आपके समक्ष आएंगी और आप उसमें ज्वाइन कर लेंगे। जिनको भी आपके अगर जो जीवन साथी हैं, आपकी वाइफ हैं या हस्बैंड हैं, तो उनके लिए भी जो नौकरी के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा है, उनको उन्नति मिलेगी इस माह में। अगर व्यापारी और नौकर जो भी व्यापारी हैं या नौकरी करने वाले हैं, तो उनको थोड़ा सा इस महीने परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, तभी उनको इस महीने सफलता अच्छी मिलेगी। अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो आर्थिक दृष्टि में आर्थिक रूप से आपको इस माह वृद्धि होगी, आर्थिक आपकी आय में वृद्धि रहेगी। इसके बाद अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करें तो थोड़ा सा आपका और आपकी वाइफ का या आपका और आपके पति का इस महीने कलह क्लेश रह सकता है, घर में लड़ाई झगड़ा रह सकता है, जिसके चलते आपको मानसिक तनाव और थोड़ा सा टेंशन ज़्यादा रहेगी। मानसिक तनाव या मैं कहूँ आपको दिमागी रूप से आप हलचल में या बेचैन रहेंगे, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की अगर बात करूं तो स्वास्थ्य ठीक है, थोड़ा सा स्वास्थ्य पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पेट संबंधी समस्या आपको इस महीना आ सकती हैं। और संतान की अगर मैं बात करूं तो संतान के लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल है इस महीने। संतान की तरफ आप चिंता जरूर करें, क्योंकि संतान को थोड़ी समस्या इस महीने हो सकती है या चोट वगैरह लग सकती है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके साथ अगर परिवार की बात करूं तो परिवार का पूर्ण रूप से सुख है, आपको कोई परेशानी लेने की या टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। और अगर आप कोई यात्रा करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। इसलिए आप एक चीज़ का और ध्यान रखें, इस माह अगर आपके कोई सरकारी काम चल रहे हैं या सरकारी समस्याएँ चल रही हैं, तो उसमें आपको दोबारा से या उसमें कोई कागजी कार्रवाई आप करने वाले हैं, तो सरकारी कामों में आप कागजी कार्रवाई का यानी पेपर वर्क का ध्यान पूर्वक करें, वरना उसमें आपको समस्या आ सकती है। एक चीज़ शुभ है इसमें, जो वो शुभ है वो है आपके लिए, आप इस महीने घर खरीद सकते हैं। अगर आप प्लान बना रहे हैं तो आप इस महीने घर को खरीद सकते हैं, या कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, घर दुकान मकान आप ले सकते हैं। उसके शुभ संकेत मुझे दिख रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए। आवेश में आकर कोई भी कार्य ना करें, वहाँ पर आपको समस्या बन सकती है। कोई भी कार्य करें, सोच विचार कर करें। एक चीज़ और, सबसे बड़ी चीज़ जो कन्या राशि वाले छोड़ देते हैं, कन्या राशि वाले अपना जो चीज़ें हैं वो भाग्य के ऊपर सबसे ज़्यादा छोड़ते हैं। तो आप कोई भी चीज़ें अपने भाग्य के ऊपर ना छोड़ें, क्योंकि संघर्ष के बाद ही आपको सफलता प्राप्त होगी। पहले आपको संघर्ष करना होगा, तब आपका भाग्य उसको सफलता में आपके बदलेगा। तो इसलिए संघर्ष करते रहें, भाग्य अपना काम करेगा पर आपको साथ ही साथ संघर्ष भी करने हैं, तो ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद अगर मैं उपाय की बात करूं तो इस महीने आप शुक्र के उपाय करें। शुक्रवार के दिन दूध, दही, घी या चावल का आप दान कर सकते हैं। सूर्य का उपाय करने के लिए अगर मैं आपको कहूं तो सूर्य के लिए आप सूर्य को जल अर्जित कर सकते हैं। सूर्य को जल दें, सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह सूर्य
उदय होने से पहले, जैसे ही सूर्य उदय होता है तो सूर्य की पहली किरण के साथ आप सूर्य को जल अर्जित करें, वो बहुत ही शुभ है आपके लिए। और गणेश जी की उपासना करें, क्योंकि कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध है, तो इसलिए आप गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी की पूजा करें, गणेश आरती करें प्रतिदिन, ये आपके लिए बहुत शुभ है। बाकी बाबा शिव की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी, और जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोग या जुड़े हुए हैं पहले से, तो उन सभी के लिए दोबारा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, बाकी आपको अधिक से अधिक जानकारी हम देते रहेंगे। और अब मिलते हैं एक नई राशि के साथ, एक नई चेतना के साथ अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, अब मैं विदा चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।